आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 10। क्या करना भाई एग्जाम्पल 10 में, देखिए जरा। इफ द पॉइंट ए बी सी डी, देखो यहाँ पे पी मिसिंग है, आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की बेटा वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये है एक पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ होता है बेटा पैरेललोग्राम, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, हाँ जी एवरीवन, ये है मान लीजिए ए, ये है बी, ये है सी और ये है बेटा आपका क्या डी। ए की वैल्यू कितनी बेटा दी हुई है 6.1, बी की वैल्यू बेटा कितनी है 8.2, सी की वैल्यू कितनी है बेटा सी की वैल्यू कितनी है बेटा 9.4 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा P.3। बताइए कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है बेटा, P की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली कुछ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम बेटा क्या कर रहे हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जरा, आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल बेटा यहां से यहां तक होगा, ठीक है, और दूसरा डायगोनल बेटा कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक। क्या बात समझ में आ रही बेटा? हमें यह पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बायसेक्ट्स ईच अदर। तो बेटा जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बायसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है ओ, तो बेटा ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते। अच्छा हाँ हाँ, साइंस के लिए, मैथ साइंस है, हाँ जी बात हुई थी बट वो आया नहीं बेटा। आप 8:00 आ सकते हो, बात मैम आप बात कर लीजिए और इनको 8:00 बुला लीजिए क्लास के लिए, हाँ ठीक है। हाँ जी, तो बेटा हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि बेटा बायसेक्ट कर रहा है, बायसेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, हाँ जी, तो आप लिखोगे लेट ए की वैल्यू कितनी है बेटा 6.1, बी क्या है बेटा 8.2, सी क्या है बेटा 9.4 एंड डी क्या है बेटा P.3। आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब जरा देखिए, तो ये पैरेललोग्राम के बेटा क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। एज वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisects each other, ठीक है बेटा। डायगोनल्स क्या करते हैं, bisect करते हैं each other। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ जी, अगर इस पॉइंट को मैं ले लूं x, y, अगर बेटा मुझे ये x और y की वैल्यू मिल जाए, तो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाकर क्या मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू आपके पास, ये वाली वैल्यू होगी, x का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हो। पहले मैं निकालूंगा इस x और y की वैल्यू और मैं इन वाले कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करूंगा। जरा देखो, अगर मैं x1 + x2 / 2 करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? इसी तरीके से बेटा y1 + y2 / 2 करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो x और y की वैल्यू निकाल के फिर मैं इस वाले डायगोनल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, x की वैल्यू, यहां पे एक चीज और मेंशन कर देना, लेट ओ विच इज x, y इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट
फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा क्या कहता है, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू। हाँ जी, x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, x1 की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, यहां पर जरा देखिए, मैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन लिख देना बेटा, ए सी पर अप्लाई कर रहे हैं, किस पर अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ए सी पर अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर x1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 9 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गई बात या नहीं, ऐड कीजिए जरा, ऐड करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 7.5, या फिर आप चाहें तो फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसा आपका मन करे वैसा कर लीजिएगा। दूसरा बेटा हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, y के लिए। तो y का बेटा फॉर्मूला कैसे मिलेगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, y1 की वैल्यू बेटा जरा देखिए यहां पे कितनी है 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 बाय 2 या फिर 2.5। अब बेटा देखो पॉइंट वाली वैल्यूज में आपको हो सकता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्रॉब्लम आए, तो आप फ्रैक्शन में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी बेटा, अगर मैं इस वाले डायगोनल की बात करूं तो मेरे पास x1 y1 है, मेरे पास x2 y2 है, और ये मेरे पास हो गया x और y। इसमें से बेटा मुझे x की वैल्यू पता चल चुकी है विच इज 15/2 और y की वैल्यू पता चल चुकी है विच इज 5/2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑन BD बेटा, BD पे यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, BD पे बेटा सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां पर x की वैल्यू मिसिंग है तो x वाला ही फॉर्मूला यूज करना, यूज तो आप y वाला भी कर सकते हो, लेकिन बेटा फिर आपके पास p नहीं आएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जरा देखिए मैं क्या यूज करूंगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे तो बेटा ज्यादा इजी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ चुकी है विच इज 15/2, x1 की वैल्यू बेटा कितनी है जरा देखिए p, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा जरा देखिए 8 डिवाइडेड बाय 2। क्या बात समझ में आ रही है, 2 से 2 बेटा यहां पर क्या हो गया कैंसिल आउट, ये प्लस में है इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और बेटा p की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ। समझ में आ रही बात या नहीं, आप चाहें तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको m1 की वैल्यू बेटा 1 और m2 की वैल्यू भी 1 लेट करनी पड़ेगी।